अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय मीम, जय भीम, जय महाराष्ट्र। आप सब लोग अगर जुड़ जाएं तो मैं अपनी बात शुरू करूं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सब लोगों की दुआएं हैं जिसकी वजह से मैं आज आपके साथ हूं। कल क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया ये अदा करना चाहूँगी कि आप लोग इतने इस बात से ये थे कि कल क्या हुआ और हम लोगों के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और हम लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन दी गई या नहीं दी गई, और मेरे साथ कुछ ऐसा तो हादसा नहीं हुआ। ये सब सारी चीज़ें कल आप लोगों ने कल का माहौल तो देखा ही होगा। आज खास करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ उन सारे जय भीम वालों के लिए जो भीमराव की आर्मी है, और स्पेशली मेरा ये मैसेज अगर आज आप सब लोगों से मैं दरख्वास्त करती हूँ देवेंद्र फडणवीस के लिए है। देवेंद्र फडणवीस हमारे CM हैं, उनके लिए हैं, और मैं सारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अम्बेडकरवादियों से रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग भी जुड़ जाएं और मेरे जितने भी वीडियो हैं आप भी शेयर करें। कल ऐसा माहौल था, कल भीमा कोरेगांव में, कोरेगांव के लिए 200 वर्ष हो चुके थे 1818 में, और कल 2018 कल का पहला दिन था, तो 200 वर्ष पूरे होने पर वहाँ पे स्मृति दिवस मनाया जा रहा था। रैली में कम से कम 3.5 से 5 लाख लोग आए थे। तो देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच करेगी कि कल क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो मैं देवेंद्र फडणवीस से कहना चाहती हूँ कि आप एक CM हो, आप को ये पता नहीं कि वहाँ पे एक रैली होने वाली है जिसमें कम से कम 3.5 से 5 लाख लोग आने वाले हैं, एकजुट होने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी देवेंद्र फडणवीस जी के लिए कि अगर आपको CM की कुर्सी पे बैठने के बाद आपका महाराष्ट्र संभलता नहीं है तो काइंडली आप रिज़ाइन कर सकते हैं, और आप CBI जांच अगर कराना चाहते हैं तो मैं आपसे ये बात ज़रूर कहूँगी मिस्टर फडणवीस कि आपको हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट से मिलकर बात करनी चाहिए। CBI वालों को कौन सी जांच चाहिए, हम तो खुद एक प्रूफ है। मेरे कल के वीडियोस कई लाखों में, कई मिलियंस में शेयर हुए, और मीडिया को कवरेज ये मिलता है कि कल दो जाति विवाद हुआ, ये सारी बातें गलत हैं। कल के दिन 3.5 से 5 लाख लोग जहाँ पे एकत्रित हुए थे, जमा हुए थे, सारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अम्बेडकरवादी थे, वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला था। इन लोगों को ये समझना चाहिए कि जब 3.5 से 5 लाख पब्लिक रैली में जमा होने वाली है तो पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई। पुलिस प्रोटेक्शन अगर दी भी गई, जबकि जहाँ तक के हमने हमारे पर वार किए गए, हमारी बसों पर, हमारी कारों पर इन लोगों ने कांच फोड़े, दगड़ मार मार के, पत्थरे मार मार कर, तो उस वक्त पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं थी, और पुलिस प्रोटेक्शन पहले से क्यों वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। वहाँ पे सबको पता था कि अगर भीमराव की आर्मी, भीम अम्बेडकरवादी वहाँ पे अगर जमा होते हैं तो एक और दो की तादाद नहीं आते, कम से कम लाखों और मिलियंस लोग उस तादाद में होते हैं। ये हर कोई जानता है
तो 5 लाख पब्लिक के लिए आपकी 10, 15, 12, 2 इतनी प्रोटेक्शन बस है क्या मिस्टर फेडनेविस जी? कल जो हुआ वो एक षड्यंत्र था। हमसे कहा गया कि आपकी गाड़ियों पर कितनी गाड़ियां भीमा कोरे गांव जा रही है। मुझसे रोककर पूछा गया, मैडम आप किधर जा रहे हो? हमने कहा भीमा कोरे गांव। तो हमसे कहा गया, मैडम आपकी गाड़ी पे नीला झंडा नहीं है, नीला फ्लैग नहीं है। हमसे कहा गया आपकी गाड़ी पे बैनर नहीं है। जब हमने कहा कि हाँ नहीं है तो उन्होंने कहा, मैडम बिना बैनर वाली गाड़ी को, बिना झंडे वाली गाड़ी को हम जाने नहीं देंगे। जब हमने देखा कि ये बात कैसी है कि बिना झंडे वाली, बिना बैनर वाली गाड़ी को वहाँ क्यों जाने नहीं देंगे? मुस्लिम समाज भी जब वहाँ पे एकत्रित हुआ है तो हम क्यों बैनर लगाए, हम क्यों क्या करें? हम गए थे अपने अम्बेडकरवादी संगठनों के साथ, हम उनके साथ, उनको एकजुट होने के बाद उनका स्मृति दिवस मनाने हम गए थे। हमें वहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तो अब मैं मेन मुद्दे पे आपको बताती हूँ। और मिस्टर फेडनेविस जी, आपकी सीबीआई ब्रांच कब आपकी पूरी जानकारी लेगी मैं नहीं जानती, लेकिन आज 2 तारीख 2 जनवरी 2018 को मैं आपको सारी आंखों देखी बातें, और जो हम 5 लाख पब्लिक के ऊपर मौत का जो साया मंडरा रहा था, हमें मारा जा रहा था, हमारी बस जलाने की कोशिश हुई, हमारे ऊपर बॉटल्स में पेट्रोल डालकर उसे जलाकर हमारी बसों में, हमारे गाड़ियों में फेंका गया, हम पर पत्थर मारे गए, हमारी गाड़ियों के बम्बू से, डंडों से कांच फोड़ी गई, वो सारी मैं आपको आंखों देखी वारदात बयान कर रही हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये कौन सी सीबीआई ब्रांच होगी को जिसको इतना सोशल मीडिया पे आने के बाद भी यास्मीन अरोरा मुंशी सारी आंखों देखी बातें बताने के बाद भी सीबीआई ब्रांच वाले इस पर जांच करते हैं या नहीं करते? वहां पर आरएसएस, बीजेपी, जिसका भी संगठन ने हम पर हमला किया, उसका रिएक्शन आज सारे महाराष्ट्र में देखने को मिला। आज चेंबूर, आज मुलुंड, मालवनी, हर एक जगह पर भांडुप, हर जगह पर अहिंसा देखने को मिली। तो मैं देवेंद्र फडणवीस जी से कहना चाहूँगी, अगर आप एक अच्छे सीएम नहीं बन सकते तो आप रिज़ाइन कर दीजिए, क्योंकि कल जो हुआ वो एक षड्यंत्र था। जब आप सबको पता था पुलिस परमिशन ली जाती है कोई भी रैली निकलने से, कोई भी इंसान एकजुट जहाँ पे कोई संगठने होती है वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन देना, ये यहाँ की आज की जो रूलर पार्टी है उसके माध्यम से कह रही हूँ मैं, ये उनका फ़र्ज बनता है। तो देवेंद्र फडणवीस जी, आप न्यूज़ में आकर कहते हैं सीबीआई ब्रांच से आप जांच करवाएंगे, कल कहाँ थे आप? 4-5 लाख पब्लिक के लिए वहाँ पर कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं थी। और पुलिस प्रोटेक्शन कब आई? 4-5 घंटे के बाद, जबकि माहौल बिगड़ चुका था, 200 बसों को फोड़ा गया, गाड़ियों को फोड़ा गया, औरतों को, बच्चों को फेंका गया साइड में, लोगों को रोडों पे आने पे मजबूर कर दिया, गाड़ियों में आग लगा दी गई, जब पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं थी? और आज उस चीज़ का रिएक्शन आज महाराष्ट्र में देखने को मिला, तनाव। मेरा एक ही कहना है, मेरा एक ही मानना है कि अगर भीम अंबेडकर वादियों को उतना हक नहीं है, मुस्लिम समाज वालों को उतना हक नहीं है रैलियां निकालने के लिए, तो आखिर ऐसी कौन सी समाज है जिसको हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ उनको ये देता है कि भाई इनको प्रोटेक्शन भी मिलेगी, इनकी रैलियों में करोड़ों, लाखों, पूरी पुलिस प्रशासन रहेगी, लेकिन हमारे समाज और हमारे पिछड़े समाजों के लिए, ओबीसी हो या जो भी समाज है, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती? क्यों? हमारा खून इतना सस्ता है, हमारा खून इतना सस्ता है। अंबेडकरवादी कलम से वार करता है, अंबेडकरवादी कलम से वार करता है,
और हथियार उठाने पे मजबूर क्यों कर रहे हैं? और इस हिंदुस्तान में ये ऐसी कौन से लोग हैं जो ये वारदात, ये घटनाएं ला रहे हैं? कौन ऐसे लोग हैं? भाइयों, मेरा वीडियो ये मिस्टर देवेंद्र फडणवीस के लिए है, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है आज एक की मौत हो गई है, उसको 10 लाख रुपया मुआवजा देंगे। इनकी नज़र में जब हम 5 लाख पब्लिक वहाँ पे जिंदा थी और हम पर वार हुए, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने कल पूरा दिन सोशल मीडिया पे धमाल था कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। 1 जनवरी के दिन देवेंद्र फडणवीस ने आकर ये बयान नहीं दिया कि जल्दी से जल्दी प्रशासन, पुलिस प्रशासन वहाँ पर भीमा कोरेगांव में जाए और जिस जो लोगों ने अटैक किया है वहाँ से हमारे जितने भी अम्बेडकरवादी समाज हैं उनको वापस लेकर आए। ये क्यों कल ये क्यों ऐलान नहीं हुआ? इसका मतलब साफ जाहिर है देवेंद्र फडणवीस जी के मरने के बाद आप लोगों की नज़र में इंसान की कीमत है, वो है 10 लाख रुपया। आपकी कीमत 10 लाख रुपया इंसान मरने के बाद की कीमत है। आज पूरा महाराष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान तनाव में आ गया, लेकिन तनाव क्यों आया? ये क्यों रिएक्शन हुआ? क्यों अम्बेडकरवादी इतने आज एग्रेसिव हो गए? क्यों क्यों हुए? किसने मजबूर किया? और मैं भी ऐलान करती हूँ कि हर एक अम्बेडकरवादी के साथ मुस्लिम समाज है, हर एक अम्बेडकरवादी के साथ मुस्लिम समाज है और हम रहेंगे। क्यों आज अम्बेडकरवादियों को उनके स्मृति दिवस के दिन इतना बड़ा इनाम दिया गया कि आज आप लोगों ने उन्हें एग्रेसिव बना दिया? दस लाख रुपया एक आदमी का मुआवजा देंगे मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, लेकिन जहां 5 लाख पब्लिक थी उसे प्रोटेक्शन नहीं देंगे मिस्टर देवेंद्र फडणवीस। मैं चैलेंज करती हूँ मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, मैंने कल भी चिल्ला कर और कल भी लोगों से कहा था, कई लोगों ने 100 नंबर डायल करके पुलिस को फोन किया, लेकिन मजाल है कि आधे घंटे या 10 मिनट या 20 मिनट या 3 घंटे या 4 घंटे में पुलिस अवेलेबल हो वहाँ पे, क्योंकि ये षड्यंत्र रचा गया। वहाँ की सारे गांव को बंद किया गया, परसों से ही वहाँ पे सारे गांव को परसों रात को ही वार्न किया गया था कि यहाँ पे रैली होगी, यहाँ पे 5 लाख पब्लिक एक्सपेक्टेड है, यहाँ की पब्लिक को पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, यहाँ की पब्लिक को जो मिलेंगे अगर तो वो डंडे मिलेंगे, यहाँ पे पत्थर मारे जाएंगे और इनकी बसों को, गाड़ियों को आग लगा कर मारा जाएगा। ये है हमारे बीजेपी के CM देवेंद्र फडणवीस जी। अगर आपको प्रोटेक्शन देनी थी, आपको आज का दिवस इतना भयानक नहीं लाना था, इतना यादगार दिवस नहीं बनाना था, वापस से भीमा कोरे गांव नहीं बनाना था, तो आप कल ही प्रोटेक्शन देते, आप कल ही अनाउंस कर देते, आप सारी प्रशासन से कहते कि 4.5-5 लाख पब्लिक जहां पे जमा होती है तो वहां पे प्रशासन का होना जरूरी है, तनाव बन सकता है। मैं सारे अम्बेडकरवादी समाज के साथ हूं और मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, मुझे मारने की धमकी मत दो, मेरे सामने आओ। हक के लिए लड़ना शेरों का काम है, धमकी देना हिजड़ों का काम है। भाइयों, मेरा ये वीडियो आप सबको शेयर करना होगा, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ CBI जांच हो और इस जांच में असलियत सामने आई। लेकिन मैंने आज आप सबके सामने ये बातें क्यों लाई, मैं क्यों लाई भाई, मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि मैं जानती हूँ जिनका प्रशासन हमारी जान कल नहीं बचा पाया वो CBI जांच में
सीबीआई जांच में क्या रिजल्ट लाएगा ये आपके सामने है। उसका रिजल्ट मैं आज ही कहती हूँ। ना तो उनके ऊपर कोई केस होंगे जिन्होंने ये किया, आप मेरे पेज पे जाकर देख सकते हैं भीमा कोरे गांव, वहाँ पर कितने कितने एग्रेसिव लोगों ने पत्थरबाजी की, गाड़ियाँ जलाए, और कल आप लोगों को हमने वहाँ पर पूरा वहाँ का माहौल दिखाया। हमने माहौल को बिगड़ने से रोकना चाहा, लेकिन फिर भी हमने यही कहा कि लोग वहाँ पे कह रहे थे कि हम दर्शन के लिए आए हैं भीमा कोरे गांव में, हमें दर्शन चाहिए, हम चले जाएंगे। लेकिन वहाँ पे कुछ भेड़िए भीड़ में आते थे, डंडों से मारते थे, गाड़ियों के कांच फोड़ते थे, पत्थरबाजी होती थी, और उसके बाद बॉटल्स में पेट्रोल डालकर उसे आग लगाकर उसे गाड़ियों के अंदर फेंक दिया जाता था। ये कल का आंखों देखा हाल था। और हमें ये भी कहा गया था कि कितनी गाड़ियां और है बिना फ्लैग के, बिना बैनर्स के, उस बैनर्स को लगाओ और फिर आप लोग भीमा कोरे गांव में लेकर जाओ, ये बात थी। तो इससे निश्चित है कि ये एक षड्यंत्र था। वहाँ पे पानी नहीं पिलाया गया, वहाँ पे हमें सैंडविच तक लेने की इजाज़त नहीं थी, पूरे गांव को बंद कर दिया गया था। रास्ते में पूरे रास्तों पर पत्थरबाजी हो रही थी, और पूरे पूरे रास्तों में कई 5 किलोमीटर तक 7 किलोमीटर तक हमारी बसेस रोकी गई। कम से कम मेरी गाड़ी के आगे 12 बसेस और गाड़ियां थी, सारी फोड़ी गई। और वो क्यों? क्योंकि उनके ऊपर फ्लैग थे और उनके पूरे बैनर उखाड़े जा रहे थे, और वहां पे नारे लग रहे थे जय श्री राम के, और ये कहा जा रहा था कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, जय भीम कभी नहीं कह सकते। इस तरीके के लोग बात कर रहे थे। ये हमारी आंखों देखी और कानों सुनी बातें हैं, हमारे बाजू से आके जा रहे थे। इसका मतलब अब वक्त आ गया है मुस्लिम समाज और अंबेडकर समाज को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर आपको इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई लगती है, आपको हमने कल से अब तक जितने अपडेट्स दिए, वहाँ पे हम फिजिकली प्रेजेंट थे, आप दे सकते हैं, और जय भीम जय मीम के नारे लगे उस वक्त जब हमसे कहा गया कि जय इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, उस वक्त हमारे अंबेडकरवादी और मुस्लिम समाजवादी ने ये किया कि जय मीम जय भीम के मारे वहाँ पे नारे लगे। इस देश में रहना होगा तो हर एक को अपनी समाज की इज्जत और दूसरों की समाज की इज्जत करनी होगी। बाकी ये वीडियो मेरा मिस्टर देवेंद्र फडणवीस तक पहुँचाए, मैं भी देखना चाहती हूँ ऐसी कौन सी सीबीआई ब्रांच है जो इसकी जांच करती है और वो जांच में क्या निकालती है। अगर उस जांच में कुछ भी गलत निकला अम्बेडकर वादियों पर, अगर किसी दलित बौद्ध भाइयों पर कुछ भी हुआ, तो याद रखना मुसलमान भी रास्तों पर आएंगे और हम अंबेडकर समाज के लिए अंबेडकर वादियों के साथ खड़े हैं और मरते दम तक खड़े रहेंगे। क्योंकि यही है आपको दिखाना था मुझे कि देखो जिस तरह मुस्लिम समाज को टॉर्चर किया जा रहा है, इनका षड्यंत्र देखो, और इन्होंने हमारी एकता को, जय भीम जय मीम की एकता को किस तरीके से तोड़ने की कोशिश की। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। और धमकी देने वालों को मैं एक बात, छोटी सी बात, उसके मीनिंग बहुत बड़े हैं, बताना चाहती हूँ। कौन कहता है मोमिन मर गया? अरे
कैद से छूटा और अपने घर गया, कल मारने वाला आ जा, कल मारने वाला आ जा। मुसलमान तो पैदा ही हुआ है शहीद होने के लिए, मुसलमान तो पैदा ही हुआ है शहीद होने के लिए। कल जो हुआ उसका रिएक्शन आप सब लोगों को मुंबई में, महाराष्ट्र में बताया गया। मैं मेरे अंबेडकर समाज से, अंबेडकर वादियों से कहना चाहती हूँ और मैं बहुत विनती करती हूँ और मैं सल्यूट करती हूँ भारत मुक्ति मोर्चा वामन मिश्रान जी को कि आप लोगों ने कल धैर्य से, बहुत समझदारी से काम लिया। ये हालात बहुत बिगड़ सकते थे कल, लेकिन अंबेडकर वादियों ये बात आपने कहकर प्रूफ कर दिया कि यू आर द बेस्ट। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें कलम से लड़ना सिखाया है। इस कलम की कीमत हम और अंबेडकर वादी है, हम भी अंबेडकर वादी है, हम जानते हैं। हमारे देश में अगर अंबेडकर वादी और मुस्लिम समाज को तोड़ने की अगर षड्यंत्र रचा जाएगा तो हम उसे नाकाम कर देंगे, ये मेरा वादा है। और मैं आज आप सबके सामने कहती हूँ, हर एक अंबेडकर वादी से कहती हूँ, हर एक अंबेडकर वादी से कहती हूँ, आप पर आँच आने से पहले मुस्लिम समाज आपके साथ खड़ा होगा, मुस्लिम समाज आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि संविधान का कानून हमारे आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने ही लिखा है। और हम अपने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पे गर्व करते हैं कि उन्होंने जो कानून लिखा उसमें शरीयत को उन्होंने अपनी सर आँखों पर रखा। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को मेरा लाखों मिलियंस करोड़ों टाइम में सल्यूट करती हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने मुस्लिम समाज को बिना ठेस पहुँचाए एक कानून लिखा, एक संविधान लिखा, जो आज भारत उसके ऊपर चलता है। हिंदुस्तान हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के कानून पर, संविधान पे चलता है। और हमें गर्व है, अंबेडकरवादी और मुस्लिम समाज को गर्व है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पे। जय मीम, जय भीम, और जय भीम जय मीम को कभी षड्यंत्र से तोड़ा जाए वो मैं होने नहीं दूंगी। जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को बर्बाद नहीं होने देना है, जो हो चुका हो चुका। अगर किसी से भी कोई गलती हुई है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस जी, आपको पूरी हालत बताई गई, कल हम पे वार हुए, वो तो शुक्र है कि हम घर तक वापस आ गए, नहीं तो शायद आज आपको लाइव भी नहीं बता पाते कि कल हुआ क्या था। चलिए, मेरा वीडियो हमारे सीएम जो कल के लिए नाकाम रह गए थे, मिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी तक पहुंचा दीजिए। मरने के बाद आपकी नज़र में 10 लाख कीमत है उस इंसान की, लेकिन 5 लाख लोगों की कीमत नहीं है। आप लोगों ने हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया, लेकिन हर एक से कहना चाहूँगी, हमसे ना उलझो, हमसे ना उलझो, हमसे ना उलझो। हम बहुत सुलझे हुए हैं, हमें ना उलझने से मतलब। जय भीम, जय मीम, मीम हमेशा जय भीम के साथ रहेगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा नारा है। जय मीम और जय भीम ही जय भारत कहलाएगा, जय मीम और जय भीम ही जय भारत कहलाएगा।